हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड रिसर्च पेपर्स फॉर योर रिसर्च वर्क। लाइट आ रही है? ओके ओके। सो रिसर्च पेपर्स को ढूंढने के जो सबको मालूम है कि गूगल पे सर्च कर लो, गूगल स्कॉलर कर लो, या लाइक वॉट एवर, पर आज मैं आपको 6-7 स्टेप्स दूंगा जिससे कि आप आपके रिसर्च पेपर को ढूंढ पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टेप वन है, आस्क योर सुपरवाइजर वेयर टू स्टार्ट। हो सकता है कि वो आपको एक बेस पेपर दे दे जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए कि कहाँ से शुरुआत करनी है। कई बार क्या होता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट के अंडर ज्वाइन किया है, इन दैट केस उस प्रोजेक्ट के प्रपोजल को लिखने के टाइम आपके सुपरवाइजर या फिर आपके गाइड ने एक प्रीलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू किया होगा, वहां से भी आपको मालूम हो जाएगा कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। तो ये है आपका स्टेप वन। स्टेप टू है आपका कि रेफर फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। अब मुझे जब अपनी थीसिस करनी थी तो मैंने ये बुक पढ़ी थी, ये एक इंडियन ऑथर की बुक है। तो टेक्स्ट बुक पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, उससे क्या होगा, उस फील्ड के बेसिक्स आपको समझ आ जाएंगे। और इंडियन ऑथर की अगर आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो उनकी लैंग्वेज भी बहुत इजी होती है, तो वो समझने का भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं होने वाला। तो एडवांस स्टेप पे जाने से पहले इन टेक्स्ट बुक से अपने बेसिक्स को एक बार ब्रश अप कर लो। और कई बार इन टेक्स्ट बुक्स की रेफरेंसेस भी होती हैं जहां से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको कहां से पढ़ना शुरू करना है। स्टेप थ्री, फाइंड रिव्यू आर्टिकल्स ऑन योर टॉपिक। अब रिव्यू आर्टिकल्स जो कि आपके टॉपिक से जुड़े हुए हैं वो आपको दो तरह से हेल्प करेंगे। पहला, वो उस टॉपिक का एक ब्रॉड ओवरव्यू आपको देंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, और दूसरा, उस रिव्यू आर्टिकल की जो रेफरेंसेज हैं वो आपकी नेक्स्ट रीडिंग लिस्ट बन सकती है। नेक्स्ट स्टेप है आपका टू लुक फॉर थीसिस और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। अब अगर आप आपके टॉपिक से जुड़ी हुई कोई भी थीसिस को ले आओगे या उस थीसिस को पढ़ोगे, तो थीसिस में क्या होता है कि हर ऑथर ने जो वो थीसिस को लिख रहा है वो शुरू से लेके एंड तक बात करता है, तो उस थीसिस का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको शुरुआत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्लस आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस बंदे ने कैसे वो काम किया था, तो आपको एक मैप मिल सकता है कि हाँ, हम भी इस तरह से इस काम को कर लेंगे। और फाइनली वो सारे स्टेप्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा गूगल। अब 4 मेन तरह के सर्च इंजन्स हैं जो कि आपके काम आएंगे। पहला है गूगल स्कॉलर, दूसरा है आपका स्कोपस, तीसरा है आपका रिसर्च गेट, और फोर्थ है आपका IEEE। तो एक एक करके हम चारों का डेमो देखते हैं। अब जैसे कोई एक सैम्पल रिसर्च एरिया लूम में, जैसे जो मेरा ही है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स टू डिटेक्ट फॉरेस्ट फायर्स, तो उन्हीं का हम एक एक करके इन चारों सर्च इंजन्स पे हम पेपर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम चलते हैं गूगल स्कॉलर पे, राइट? तो गूगल स्कॉलर ये हमने खोल लिया। यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हाँ, हमें जो हमारे कीवर्ड्स हैं, राइट, हमारे हैं जैसे कीवर्ड्स हैं WSN और फॉरेस्ट फायर, हमने ये दोनों के ऊपर हमने पेपर सर्च कर ली। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ जो तुम्हें यूज़ करनी है, जैसे कि हमारे अब यहाँ पे देखो तुम्हें 2009 का भी आर्टिकल शो कर रहा है, राइट, 2012 का भी आर्टिकल शो कर रहा है, बट अगर तुम इतने पुराने आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हो तो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि तुम्हारा गाइड तुम्हें बोलने वाला है ये क्या है, राइट? तो हमें नए आर्टिकल्स चाहिए, वो कैसे ढूंढने हैं, आओ देखें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुम साइड पर देख रहे हो, यहाँ पे एनी टाइम के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है 2021 सिंस 2021 सिंस 2018 या फिर कस्टम रेंज। तो अगर हम सिंस 2018 करें तो क्या होगा, हमारे पास जो 2018 के बाद के आर्टिकल्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। जिनका PDF ऑलरेडी अवेलेबल है उनका PDF डायरेक्टली यहीं से ही आ जाएगा, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने अगर इस PDF पे क्लिक किया तो यहाँ पर उस आर्टिकल का पूरा टेक्स्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे इनिशियल स्टडी के लिए रिसर्च आर्टिकल्स, राइट? उसके बाद यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ है, यहाँ पे है कि रिव्यू आर्टिकल्स अगर तुम्हें सर्च करने हो तो उस पर अगर तुम सर्च करोगे तुम्हारे पास सारे रिव्यू आर्टिकल्स आ जाएंगे। अब अगर ये दोनों कीवर्ड्स तुम्हारे काम के हैं तो तुम एक और चीज़ कर सकते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो है टू क्रिएट एन अलर्ट, वो भी देखते हैं।
अब यहाँ पे तुम साइड पे देख रहे होगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टू क्रिएट एन अलर्ट। यहाँ पे अगर तुम क्रिएट अलर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे तुमसे पूछेगा कि किसके लिए करना है, किस ईमेल आईडी पे तुम्हें मेल्स चाहिए, मोस्ट रेलेवेंट या फिर ऑल, और यहाँ पर क्रिएट अलर्ट। तो वहां से तो इससे क्या होगा कि जब भी इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, इस कीवर्ड से जुड़ा हुआ कोई भी नया आर्टिकल आएगा, उसका अलर्ट तुम्हें वाया ईमेल आ जाएगा, राइट। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि है हमारा रिसर्च गेट। तो अब हम खोल रहे हैं रिसर्च गेट। रिसर्च गेट में हम सेम चीज फाइंड आउट करेंगे, WSN फॉरेस्ट फायर। अब इसके ऊपर जो भी आर्टिकल्स हैं ये सब तुम्हारे सामने आ जाएंगे। अब रिसर्च गेट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पे तुम ऑथर्स को फॉलो भी कर सकते हो। अब जैसे किसी एक ऑथर ने तुम्हारे फील्ड में काम कर रखा है, राइट, तो तुम उसकी पूरी हिस्ट्री चेक कर लो कि पहले पहले इसने क्या काम कर रखा है, अभी रिसेंटली क्या काम करा है, और उसको फॉलो कर लो कि ताकि जब भी वो कोई नया काम करे तुम्हें एक अपडेट आ जाए। उससे क्या हो, उससे क्या होगा, और कल को तुम उसी ऑथर को ईमेल भी कर सकते हो फॉर अ पोस्ट डॉक और फॉर अ PhD, दोनों चीज़ें। अब जैसे ये एक आर्टिकल है फायर फॉरेस्ट फायर एंड ट्रेसपासिंग यूजिंग WSN विद PIR, राइट। तो यहाँ पे ये सारे ऑथर्स का नाम आया। अब अगर मैं, और ये किस जर्नल में है, इसका क्या DOI नंबर है। अब जैसे इस आर्टिकल के ये मैम एक ऑथर हैं, लिली जबरानी। तो अब अगर हम इनकी प्रोफाइल पे जाएं तो हम इनको फॉलो भी कर सकते हैं, और इनका हमारे पास ये पूरी हिस्ट्री भी आ गई कि इन्होंने अभी तक किस किस प्रोजेक्ट पे काम करा है और किस किस फील्ड में काम करा है, राइट। ये किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग कर रहे हैं, ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक प्रोफेसर है, तो अगर तुम्हारा काम इनसे मैच कर रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट हर फॉर अ पॉसिबल कोलैबोरेशन या फिर पोस्ट डॉक या फिर PhD के लिए, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि यहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर तुम्हारे माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो तुम यहाँ पे पूछ लो, राइट। और अगर किसी ऑथर से तुम्हें बात करनी है तो तुम उसको फॉलो करने के बाद उससे डायरेक्ट मैसेज पर भी बात कर सकते हो। ये भी एक फीचर रिसर्च गेट का है। नेक्स्ट, सर्च इंजन एंड डाटाबेस जो है हमारा, वो है IEEE एक्सप्लोर। वहाँ पर भी हम सेम टॉपिक पे रिसर्च आर्टिकल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने ढूंढा अपना WSN फॉरेस्ट फायर। तो यहाँ के जो भी आर्टिकल्स हैं वो सब तुम्हारे पास आ जाएंगे, जिन जिन का जो 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 अनलॉक्ड है, जो कि ओपनली अवेलेबल है, उनका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। जो कि लॉक्ड है वहाँ ये लॉक बंद हुआ हुआ होएगा, तो यहाँ से भी तुम्हारे को अपने फील्ड के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ये तुम देख सकते हो, यहाँ पे ईयर को चेंज करने का ऑप्शन है कि हाँ हमें कब के बाद क्या चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ पे 2018 करके अप्लाई कर दूँ तो हमारे पास नए वाले आर्टिकल्स आएंगे जो कि बहुत ही रीसेंट है। तो ये रीसेंट आर्टिकल्स ये सब हमारे पास यहाँ पे एक कंप्लीट लिस्ट आ गई है। तो ये था वीडियो अबाउट हाउ टू फाइंड आर्टिकल्स। अगर ये काम आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना वो कर दे, है ना। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसको लिख दो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑलवेज आंसरिंग योर क्वेश्चंस। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।